भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर पवन सिंह की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है, लेकिन उनकी हालिया रिलीज गदर ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया है। गदर इस गुरुवार को बिहार में बम्पर ओपनिंग के साथ रिलीज हुई। फिल्म देखने के लिए दर्शकों का तांता लगा हुआ है। बिहार के 150 सिनेमाघरों में गदर लगी हुई है और सभी सिनेमाघरों में फिल्म हाउसफुल है। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये भी बता रहे हैं कि पवन सिंह की गदर सलमान खान की सुल्तान को बिहार में कड़ी टक्कर दे रही है। गदर में पवन सिंह के साथ साथ नेहा सिंह लीड रोल में है। गदर में पवन एक ऐसे हिंदुस्तानी लड़के का किरदार निभा रहे हैं जो एक पाकिस्तानी लड़की को दिल दे बैठता है और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वो क्या क्या करता है, यही फिल्म की मुख्य कहानी है। वैसे तो पवन सिंह अपनी हर फिल्म के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन गदर के लिए पवन ने जी तोड़ मेहनत की है और दर्शकों को पवन का ये अंदाज बेहद पसंद भी आ रहा है। वैसे ईद के मौके पर रिलीज हुई गदर की कामयाबी के पीछे एक फैक्टर ये भी है कि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया। ये फिल्म भी गदर के साथ ईद के मौके पर रिलीज हो रही थी। भोजपुरी सिनेमा की इसी तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लहरें भोजपुरी।